بسم الله الرحمن الرحيم बड़ी कीमत थी, तो उसके जो तबसरे होते थे, बीबीसी लंदन का यह दावा था, अगर चाहे वो बर्तानिया का है लेकिन अपने आप को कहता था कि हुकूमत के दबाव से पाबंदी से हम आजाद हैं, और हम कई चीजों में लोगों ने पकड़ा और सवाल किया बीबीसी लंदन के सवाल और जवाब के प्रोग्रामों में कि कई मकामात पर तो ऐसा वाजे होता है कि आपका झुकाव एक खास फिक्र की तरफ, हुकूमत की तरफ है। हमारे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, जैसे औरंगजेब के बारे में जबरदस्ती खींचता, मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, हिंदुओं के हल्के में बड़ा मशहूर है कि हमारे घर की खवातीन, हमारा मुकद्दस मंदिर है, वहां जाना चाहती पूजा पाठ के लिए, ठीक है कुछ सिपाहियों को भेज दिया जाए साथ चले। औरंगजेब के कुछ सिपाही वहां पहुंचे, खवातीन जो है उनकी, वो बयान करते हैं कि ये हकीकत नहीं है, औरंगजेब ने ये नहीं किया था, ये हिंदू कह रहे हैं। जब संभाजी को वहां ले जाया गया तो उसके औरंगजेब के मुशीरीन में वज़रा में ब्राह्मण हजरात भी थे, उन्होंने कहा रेडियो स्टेशन बनाया गया, मिसाल के तौर पर दुनिया में एक जमाने में सबसे ज्यादा बीबीसी लंदन सुना जाता था, इंकलाब बरपा किया था इसने रेडियो की दुनिया में, बाद में चैनल्स टीवी चैनल्स आए और अब तो नेट का जमाना आ गया, तो अब रेडियो की कीमत वो नहीं रही, लेकिन जब उस जमाने में उसकी बड़ी कीमत थी, तो उसके जो तबसरे होते थे, बीबीसी लंदन का ये दावा था, अगर चाहे वो बर्तानिया का है लेकिन अपने आप को कहता था कि हुकूमत के दबाव से पाबंदी से हम आजाद हैं, और हमारा तरीकाकार गैर जानिबदाराना है, हम किसी एक मजहब, किसी एक कौम, किसी एक नस्ल की मुआफ़क़त नहीं करते, बल्कि खबरों को खबरों की तरह देखते हैं और उसका ये मारूजी गैर जानिबदार मौजूदी अंदाज में तज्जिया और तबसरा करते हैं उनके यहां तबसरों का। लेकिन कई चीजों में लोगों ने पकड़ा और सवाल किया बीबीसी लंदन के सवाल और जवाब के प्रोग्रामों में कि कई मकामात पर तो ऐसा वाजे होता है कि आपका झुकाव एक खास फिक्र की तरफ, हुकूमत की तरफ है, रुझान आपका मायल है। तो जवाब देने वाले ने, मैंने खुद सुना था, उन्होंने जवाब देते देते दरमियान में एक जुमला कहा कि हम उतने गैर जानिबदार हैं जितना कोई इंसान गैर जानिबदार हो सकता है, हम ये कोशिश करते हैं, हालांकि ये भी सही नहीं, लेकिन गोया गैर महसूस तरीके से बैन सतूर में उन्होंने कबूल किया कि हर इंसान कितना भी गैर जानिबदार बनाए उसका झुकाव किसी ना किसी फिक्र और गुरोह की तरफ होगा। अब एक हिंदू पुलिस वाला है, जब हिंदू मुस्लिम मामला होगा तो वह हिंदुओं की तरफ कुछ ना कुछ रुझान रखेगा, वो कितना भी इंसाफ पसंद हो, ये कहना वो चाह रहा है। लेकिन यहां आप मुसलमानों की तारीख देखेंगे तो मुसलमान अल्लाह और रसूल की जो इंसाफ पसंदी की तालीम है, इस बुनियाद पर जितना इस्लामी तारीख में मुसलमान काजी हो, मुसलमान हाकिम हो, मुसलमान आलिम हो, मुसलमान मुहक्किक हो, जितना इंसाफ करने वाले मुसलमान होते हैं दुनिया में कोई नहीं है। इल्म और दलाइल की बुनियाद पर मजमूई तौर पर कोई कोई एक्सेप्शन हर जगह हो सकता है, लेकिन मैं मजमूई तौर से गालिब अक्सरियत की बात कर रहा कि मुसलमान जितना इंसान, क्यों, कुरान हदीस की तालीम है, ये मनहजे रब्बानी पर काम करने वाले हैं, और ये मुस्तशरिकीन खुद साख्ता फलसफों और अकली बुनियाद का, सेकुलर और लादीनी उसूलों का ढोंग रचाते और इसके बीच में अपना जहरीला मकसद जो है बरुए कार लाते लाने की कोशिश करते हैं। चुनांचे कह रहे हैं कि इसको ये मौजूदियत का नाम देते हैं, इल्मी गैर जानिबदारी का नाम देते हैं, हालांकि ये गैर शरई और गैर इल्मी है, कुरान और हदीस की शरीयत के भी खिलाफ है और इल्म के भी खिलाफ है। अब ये मुस्तशरिकीन ने इख्तियार किया, मुसलमानों ने बहुत सारे जामियात में इदारों में इख्तियार करके इसे कहते हैं कि ये मुनसिफाना अंदाज है, जबकि ये गैर शरई है, गैर इल्मी है। अम्मा कौन हो गैर शरई, रहा इसका गैर शरई होना, तो ये ऐसा मामला है जिसके बयान की कोई जरूरत नहीं है, और रहा इसका गैर इल्मी, इल्मी एतबार से इल्म और तहकीक के मेयार पर खिलाफ उसूल होना, ये जो मुस्तशरिकीन हमारे यहाँ तहकीकात पेश करते हैं और लोग समझते हैं बड़ा आला मेयार है, जी नहीं, घटिया मेयार है, ये गैर इल्मी मेयार है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इस बिल इस्तिकरा यानी तमाम दलायल और उसूलों को सामने रखकर तहकीक करेंगे और तलाश और जस्तुजू करेंगे कि उन्होंने जो कुछ तारीख लिखी है, खास तौर से मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख के बाद में वो जो कुछ लिखते हैं, बयान करते हैं, तहकीक पेश करते हैं, इस्लामी सकाफत के बारे में वो जो कुछ लिखते हैं और बयान करते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले ये अलिब बे जीम दाल चार निकात बयान किए कि उनकी लिखी हुई तारीख और उनकी तहकीकात इन बुनियादों पर खड़ी है। तो पहला अलिफ क्या है? अल अमल अला इख्जा नुसूस। मैं सरसरी तौर से पेश करूं कि नुसूस कुरान हदीस के जो नुसूस है या मुसलमानों की असल तारीख है, उनको नुसूस को अपनी उस फिक्र को के ताबे बनाते हैं जिसे इन्होंने तहकीक करने से पहले मुतय्यन करके रखा है, यानी एक ख्याल,
एक फिक्र पहले से मुतय्यन कर लिया कि मुसलमान मुअर्रिख हाकिम को फला बादशाह को जालिम साबित करना है मिसाल के तौर पे। अब उसको जालिम साबित करने के लिए नुसूस को ढूंढते हैं, ऐसा वाकयात को कि ऐसी बात को कशीद किया जाए जिससे हमारा ये ख्याल साबित हो, सही हो, उसमें हम तकवीयत पहुंचा सके कि देखो हम कहते थे कि हम साबित करना चाहते हैं कि ये जालिम था, ये इस वाक्य से साबित हुआ कि ये जालिम है। तो कह रहे हैं कि नुसूस को अपनी फिक्र के ताबे बना देना, हकायक को अपने ख्याल, और वो कौन सा ख्याल जिसे उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और अपने मकासिद की बुनियाद पर पहले ही से तय करके रखा है। जो चीज पहले ही से उन्होंने तय कर ली है उस तयशुदा चीज को साबित करने के लिए इस्लामी वाकयात और नुसूस को फेर बदल करते हैं। सुम्मत तहक्कुम फीमा यरफुजून मिन नुसूस अलमुजादा लहा बेमुजर्रद अलहवा, अब उसके बाद ये फैसला भी सुना देते हैं। अब तहक्कुम कहते हैं कि बगैर किसी वजह बताए या माकूलियत के किसी चीज का फैसला सादिर कर देना, हुक्म सुना देना, नाफिज कर देना। तो ये अब उसके बाद एक तरफ तो किसी वाक्य को तोड़ मरोड़ कर अपनी फिक्र को साबित करते हैं, उस फिक्र को गलत साबित करने के लिए जो दूसरे वाकयात होते हैं तो महज अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर उसको रद्द कर दिया जाता है। खींचतान के एक बादशाह को जालिम साबित किया मिसाल के तौर, और उसके अदल इंसाफ को साबित करने वाली जो चीजें हैं उसको बेला वजह रद्द कर देंगे कि नहीं नहीं ये साबित नहीं है, गलत है, फैसला कर देंगे दोनों को मिला करके, भाई यहां से आप ये साबित कर रहे हैं कि जुल्म किया और यहां से दिख रहा है कि वो इंसाफ पसंद था, तो दोनों में कैसे क्या तजाद दिख रहा है, तो हकीकत क्या है। तो अपने ख्वाहिश के मुताबिक फैसला सुना दिया और जो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ उसको रद्द कर दिया। हमारे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं जैसे औरंगजेब के बारे में जबरदस्ती खींचता, मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, आज हिंदुओं के हलके में बड़ा मशहूर है, लेकिन खुद हिंदू मुहक्किकीन ने जो इंसाफ पसंद थे उन्होंने लिखा, मुसलमानों ने लिखा कि जो मंदिर तोड़ने की बात है वो क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, कितने तोड़ा। तो एक मंदिर के तोड़ने का लंबा चौड़ा वाकया है कि सफर में कुछ हिंदू महाराजे इलाकाई रियासतों के मालिकीन भी फैमिली के साथ औरंगजेब के साथ थे, उसकी फौज में, फौज के साथ एक जगह पड़ाव डाला, करीब में मंदिर था, उन्होंने इजाजत तलब की कि हमारे घर की खवातीन हमारा मुकद्दस मंदिर है वहां जाना चाहती पूजा पाठ के लिए, कहा ठीक है कुछ सिपाहियों को भेज दिया जाए साथ चले जाए। औरंगजेब के कुछ सिपाही वहां पहुंचे, खवातीन जो है उनकी बीवियां बेटियां मंदिर के अंदर गई, सिपाही बाहर रुक गए, मुसलमान थे फौजी थे उनको कोई दर्शन या वो पूजा तो करनी नहीं थी, बाहर रुक गए, ये अंदर गई, वो मंदिर लुटेरों का था, उन्होंने इन लोगों का अगवा कर लिया, तहखाने में बांध दिया, उनके जिस्म के जेवरात जो है उतार लिए। काफी देर भी जब वो नहीं निकली तो सिपाहियों ने झांका, वो अंदर नजर नहीं आए, फौरन जाकर खबर दी, औरंगजेब ने बड़ी फौज का हिस्सा लेकर वहां उसका घेराव किया, जायजा लिया, उन हिंदू महाराजाओं से या इलाकाई जो लोग थे उनसे पूछा कि अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो मुझे लगता है कि इस मंदिर के नीचे तहखाना और कोई बात जरूर है जो हमको इसे तोड़ने से ही मालूम होगी, रास्ता नहीं नजर आ रहा। कहा हम बिल्कुल इजाजत देते हैं। तो कुछ हिस्सों को तोड़ा गया, तहखाने का रास्ता ढूंढा गया, अंदर जाने के बाद देखा तो वाकया मालूम हुआ कि इनको अगवा किया गया था, इनको लूटा जा रहा है, हाँ इनके जेवरात उतारे गए हैं, उनको आजाद करवाया गया, लोगों को गिरफ्तार करवाया गया, और औरंगजेब ने बाद में कहा कि उसको फिर से तामीर कर दिया जाए जो इससे तोड़ा गया। ये मौलाना शिबली नोमानी ने और दूसरे लोगों ने भी इस तफसील को लिखा है। वाकया कहाँ का क्या है, अब वाकया क्या है, लेकिन इसका एक जुमला निकाल कर कह दिया कि मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं पर जुल्म करते थे। शिव धर्म के लोग आजकल बताते हैं कि बहुत सारे लोग, हाँ हिंदुस्तान में औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुओं पर जुल्म करते थे, मराठों को कत्ल किया और ऐसा ऐसा किया, हाँ संभाजी को शिवाजी के बेटे इसको सजा दी तो जिस्म के अंग अंग को उस को काटा, ये मुसलमान बादशाह के सफाकियत बताने के लिए बयान किया जाता है। जब शिव धर्म वाले आज अपनी किताबों में लिखते हैं लेकिन उस किताब को ब्राह्मण गायब कर देते हैं, वो बयान करते हैं कि ये हकीकत नहीं है, औरंगजेब ने ये नहीं किया था, ये हिंदू कह रहे हैं। जब संभाजी को वहां ले जाया गया तो उसके औरंगजेब के मुशीरीन में वज़रा में ब्राह्मण हजरात भी थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ये संभाजी हमारा मजहबी मुजरिम है, ये निचली जात के होते हुए इन्होंने ऐसा ऐसा जुर्म किया, ऊंची जात वाला ब्राह्मणों वाला काम किया, और आपके हुकूमत में ये कानून है औरंगजेब की बादशाहत में कि अगर कोई मुजरिम किसी मजहब का मुजरिम है, हमारे हिंदुस्तान के मजाहिब में से कोई मजहब का मानने वाला मुजरिम है और उसने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया तो उसके अपने धर्म में उसके अपने मजहब में जो सजा उसके लिए मुतय्यन है उस मजहब की रूह से उसको सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मणों ने कहा औरंगजेब के दरबार के में मौजूद कि संभाजी की सजा हिंदू धर्म के हिसाब से हम देना चाहते हैं और उसकी सजा यह है कि उसके जिस्म के एक एक टुकड़े को काटा जाए।
शिव धर्म वाले ये बयान करते हैं। अब औरंगजेब अपने ही कानून से मजबूर थे तो उनको हवाले किया, औरंगजेब ने ये सजा नहीं दी थी। मैं एक दो मिसाल दे रहा हूं यहां हिंदुस्तान की।